हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तम जाखड़ आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। कल एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि उसकी एज 28 ईयर और 1 मंथ हो चुकी है, मींस अबाउट 28 ईयर, सो वो जीएमई कोर्स कर सकता है कि नहीं कर सकता। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीएमई कोर्स की मैक्सिमम एज लिमिट क्या है कोर्स करने की, सेकेंड जीएमई कोर्स करने की फ़ीस क्या है, ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जीएमई कोर्स करने की एज लिमिट है 17 ईयर टू 28 ईयर्स है, लेकिन मैंने डिटेल में चेक किया, उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, और उसमें आप अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मीन्स मैक्सिमम एज लिमिट होगी आपकी 31 ईयर्स जीएमई कोर्स में एडमिशन लेने की। ओबीसी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन है जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। नाउ फॉर एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स, उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। मीन्स आप मैक्सिमम 33 ईयर्स तक आप जीएमई में एडमिशन ले सकते हैं। सो आपका डाउट क्लियर हो गया। सेकंड, जीएमई कोर्स की फीस कितनी है? ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछा जाता है, इस कोर्स की फीस कितनी होगी एक साल की। फ्रेंड्स, फीस फिक्स नहीं होती, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करती है। किसी इंस्टीट्यूट की फीस मिलेगी आपको 2.80 लाख, गणपति यूनिवर्सिटी की फीस है 5.60 लाख जीएमई कोर्स के लिए, एंग्लो ईस्टर्न की है 6.25 लाख। मीन्स ये वेरी करती है 2.80 लाख टू अप्रोक्स 7 to 8 लाख, इंस्टीट्यूट पे वेरी करती है। तो आप जिसमें एडमिशन लें, जिस इंस्टीट्यूट में भी, उसका फीस स्ट्रक्चर चेक कर लें। सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो। तो अगर आप जीएमई कोर्स करना चाह रहे हैं, जीएमई एस्पिरेंट है, आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रही होगी, मेक श्योर वो सारे वीडियोस देखें। उसमें कौन से कॉल बेस्ट कॉलेज, जीएमई कोर्स एलिजिबिलिटी, पूरा मैंने कवर कर रखा है, आपको जीएमई कोर्स में एडमिशन लेने के बाद क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।